एक बार आप इस तरीके से ये सेव उसल की रेसिपी बनाकर देखो, कसम से कह रहा हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से सेव उसल बनाओगे। हर रोज़ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें फूड फॉर एवर चैनल को बिल्कुल फ्री में। सेव उसल को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक कप सफ़ेद मटर यानी कि वाइट पीस। इस मटर को आपको पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें जो भी डस्ट या केमिकल्स हो तो वो निकल जाए। इस सफ़ेद मटर को मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है, तब हम इसको किसी भी एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। पानी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है ताकि ये जो मटर है ये अच्छे से डूब जाए। अब इस मटर को ढक कर हमें इसे रात भर या फिर 6 से 7 घंटों के लिए भिगो कर रखना है ताकि अच्छे से फूल कर डबल हो जाए। चलिए, इन मटर को मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मटर है ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि इस मटर को पानी में वापस 1-2 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद हम इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है नमक, तो मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर इसमें कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी यानी कि टर्मरिक। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तो मैंने इसमें तकरीबन 3 ग्लास जितना पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसको आपको हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 सीटी तक पकाना है। सफ़ेद मटर को कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता ही है, अगर इसकी जगह पर हरा मटर होता तो वो 1-2 सीटी में आराम से पक जाता। जब तक ये मटर प्रेशर कुक होते हैं तब तक हम सेव उसल का मसाला बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगी। तो सेव उसल मसाला को बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, 1 मीडियम साइज की सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी और 6 से 7 क्लोव्स यानी कि लौंग। अब इन खड़े मसालों को आपको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सेकना है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो चला जाए और फिर से ग्राइंड करने में हमें काफ़ी आसानी हो। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको उसको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, वरना यह जलने लगेगा और इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। चलिए, अब इसको सेके हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 बड़ी चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। हमने इसमें तिल और सौंफ को बाद में इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि उसको सेकने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तिल और सौंफ को बहुत ज़्यादा देर तक सेकोगे तो तिल फटाफट से ब्राउन हो जाएगा और जो सौंफ है उसका फ्लेवर काफ़ी कड़वा हो जाएगा। चलिए, इनको मैंने 1 मिनट के लिए और सेक लिया है, तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इन खड़े मसालों को आप किसी भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि ये फटाफट से ठंडे होते जाए। अगर आप इन खड़े मसालों को इसी पैन के अंदर रखते हो तो चांसेस है कि इस पैन की गर्मी के कारण ये जो मसाला है ये और सेकते जाए और उसका टेस्ट चेंज हो जाए, तो इसलिए इसको एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दे। एक बार जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको किसी भी एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट पाउडर और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच जितना नमक। अब बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके हमें इसका बारीक पाउडर बनाकर रेडी करना है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो सेव उसल का मसाला है ये बनकर रेडी हो चुका है। वैसे तो ये सेव उसल का मसाला आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर पर बनाए हुए मसाले की बात ही कुछ और होती है। मार्केट में जो आपको मसाले मिलते हैं उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स और टेस्ट एनहेंसर डाले जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ये सारे मसाले घर पर ही बना दो। अब हमें एक बेसन की स्लरी बनाकर रेडी करनी है और ये स्लरी हम क्यों बना रहे हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो इस स्लरी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए 1 बड़ी चम्मच बेसन और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हमें एक पतली सी स्लरी बनाकर रेडी करनी है। चलिए, जो बेसन की स्लरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसको हम साइड पर रखेंगे। और अब जो मटर को हमने प्रेशर कुक करने के लिए रखा हुआ था वो भी अब अच्छे से प्रेशर कुक हो चुके हैं। आप चाहे तो उसको चेक कर देख सकते हो या फिर हाथों से दबा कर देख सकते हो कि ये सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। अब एक कढ़ाई में आपको लेना है 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल और इस तेल को आप अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और इस जीरा को आपको अच्छे से स्प्लटर होने देना है। जीरा जब अच्छे से स्प्लटर हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 चुटकी हींग यानी कि एसाफोटिडा। अब आपको यहाँ पर चाहिए प्याज की पेस्ट, तो ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज का इस्तेमाल किया है और उसको मिक्सी में डाल के मैंने उसकी पेस्ट बनाकर रेडी कर ली थी। अब इस प्याज की पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पेस्ट आपको साइड पर बचा कर रखनी है जो कि हम बाद में तरी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप इस तरह की प्याज की पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप प्याज को एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस प्याज की पेस्ट को आपको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है।
इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच अदरक लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट, और फिर इस पेस्ट को भी हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए और भुनेंगे। जब ये पेस्ट एक बार अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें ऐड करनी है टमाटर की पेस्ट, और इस टमाटर की पेस्ट को बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ था। थोड़ी सी ये जो टमाटर की पेस्ट है ये भी आपको साइड पर बचा कर रखनी है तरी बनाने के लिए। अब हमें इस टमाटर की पेस्ट को अच्छे से पकाना है और ये फटाफट से पक जाए इसलिए हम इसी समय पर इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच जितना नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब पता कैसे चलेगा कि ये जो टमाटर की पेस्ट है ये कुक हो चुकी है या नहीं, जिसके अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो टमाटर की पेस्ट है इसका कलर काफ़ी फीका है और ये काफ़ी लिक्विडी है। तो हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये जो पेस्ट एकदम ही गाढ़ी नहीं हो जाती, इसका रंग पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता और इसमें से तेल नहीं छूटने लगता, और इसको अच्छे से पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकती है। इसको आपको ढक कर पकाना है ताकि इसके जो छींटे हैं वो बाहर ना गिरे, लेकिन बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहेगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए इस पेस्ट को पकाए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुकी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है इसके अंदर और इसमें से तेल भी छूटना शुरू हो चुका है। तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये अभी फ़िलहाल मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ सके। अभी फ़िलहाल हम ये जो उसल बना रहे हैं इसको आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, क्योंकि बाद में जो हम तरी बनाएंगे उसको हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाने वाले हैं। अब इसी के साथ इसमें जाएगा 1/2 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। अब बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो चला जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डालना मैं भूल ही गया था और वो है सेव उसल का मसाला। तो हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच जितना सेव उसल का मसाला। इन मसालों को मैंने स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है, तो अब जो मटर को हमने प्रेशर कुक करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके साथ उसका जो पानी था वो भी हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है। बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स करेंगे। आज तो हम ये सेव उसल बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। अब हमें इसमें ऐड करना है काफ़ी सारा पानी, तो मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 बड़े गिलास पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। आपको इस सेव उसल को कितना गाढ़ा या कितना पतला रखना है वो आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। मार्केट में जो हमें सेव उसल मिलता है वो एकदम ही पानी की तरह पतला होता है जिसे खाने में उतना मज़ा नहीं आता, तो यही बेस्ट बात है सेव उसल को घर पर बनाने की कि आप इस सेव उसल को अपने पसंद अनुसार गाढ़ा या पतला बना सकते हो। अब जो बेसन के हमने स्लरी बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसमें ये बेसन की स्लरी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि इस उसल के अंदर एक अच्छा बेस और थिकनेस मिल पाए। अब इस उसल को आपको तब तक पकाना है जब तक इसमें से बढ़िया सा तेल नहीं छूटने लगता, और इसको अच्छे से पकने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग सकती है, तो इसको आप ढक कर पकाइएगा ताकि इसकी छींटे बाहर ना गिरे। चलिए इसको पकाए हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें से काफ़ी बढ़िया सा तेल छूटना शुरू हो चुका है। तो अब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये घर का बनाया गरम मसाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी का लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिर मैंने 1/2 नींबू लिया हुआ है जिसका जूस हमें इसमें ऐड करना है, और फिर सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, और बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स करेंगे। तो ये हमारा एकदम ही टेस्टी उसल बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी तरी, और तरी के बिना ये उसल काफ़ी अधूरा लगता है। तो इस स्पाइसी तरी को बनाने के लिए हमें लेना है 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल। तरी को बनाने के लिए थोड़े से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया ही जाता है, आप चाहो तो कम तेल में भी इसको बना सकते हो। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 बड़ी चम्मच लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट, और इसी के साथ जो हमने प्याज की पेस्ट बचा कर रखी हुई थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर हमें इन दोनों को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनना है। ये जो तरी हम बना रहे हैं इसको आप 3 तरीकों से बना सकते हो। पहले तरीके में आप अगर सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा, दूसरे तरीके में आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप इसको तीसरे तरीके से बनाने जाओगे तो आपको यहाँ पर प्याज लहसुन और टमाटर की पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज इस तरी को मैं तीसरे वाले तरीके से बना रहा हूँ। तो अब जो ना टमाटर की पेस्ट को साइड पर रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और इस पेस्ट को हमें 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है।
टमाटर की पेस्ट भी जब अच्छे से कुक हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए और उसी के बाद आपको यहाँ पर इसमें ऐड करना है एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और आपको यहाँ पर तीखे वाले लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो तरी है वो एकदम ही स्पाइसी बन पाए। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच जितना सेव उसल का मसाला और बस इन सभी को हम एक बार मिक्स करेंगे और मसालों को हमें कुछ सेकंड्स तक ही पकाना है। इसको आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है वरना जो लाल मिर्च पाउडर है वो जलने लगेगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो मैंने इसमें तकरीबन आधे कप पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है और बस फिर आपको इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। चलिए अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस तरी में काफ़ी बढ़िया सा उबाल आ चुका है और ये हमारी एकदम ही टेस्टी स्पाइसी तरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हम इस सेव उसल को सर्व करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा मटर और रसा ऐड करना है इसके अंदर और उसके बाद जो हमने स्पाइसी तरी बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपको इस सेव उसल को कितना स्पाइसी रखना है उस अनुसार आप तरी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मोटी वाली सेव या हम जिसको गाठिया कहते हैं। और सबसे आखिर में आप चाहो तो इसके अंदर थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और थोड़ा सा धनिया ऐड कर सकते हो। तो लीजिए हमारा एकदम ही टेस्टी सेव उसल बनकर रेडी हो चुका है। ये बनाने में जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।